हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं हूँ बाहर ब्रांडे में। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड से सारे शूज़ वगैरह जो होते हैं बच्चों के, अपने सभी के, तो वो सब बाहर निकाले हुए हैं और मैं इन्हीं को झाड़ फूँक के रख रही हूँ। तो जब से हम लोग यहाँ आए हैं, इस वाले रूम में आए थे, तो ये स्टैंड में लगाए थे और मैं बस बाहर से कर देती थी इनको साफ़। तो आज मैंने सोचा, दिवाली आने वाली है, सब जगह की साफ़ सफाई हो ही रही है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी साफ़ कर दूँ। तो आप देख लूँगी बरामदे में हमारा ये एक्स्ट्रा सामान जो भी होता है, फोल्डिंग वगैरह और जूतों का स्टैंड भी है, तो यहीं पे रखा रहता है ये हमने बाहर ही। तो आप देख रहे होंगे बाहर, यहाँ पे हमारा बरामदा है और बाहर बरामदे के बाहर सड़क है जो आप देख रहे होंगे। तो इसके बाहर सड़क है, गली है बाहर, तो काफ़ी धूल धाल अंदर आ जाती है। तो इस वजह से सारे शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे और बच्चों के स्कूल के शूज़ हैं, कहीं मतलब जैसे आने जाने के शूज़ हो गए, जूते चप्पल जो भी होते हैं, तो सभी बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा धूल हो रखी थी इनमें। तो मैंने सोचा चलो आज इनको भी साफ़ कर दूँ मैं। तो यहाँ पे 8 बजे के बाद का टाइम है, क्योंकि 8 बजे नहीं, सॉरी 8:30 बजे के बाद का टाइम है, क्योंकि 8:30 बजे ये स्कूल जाते हैं। तो उसके बाद ही जब ये स्कूल चले गए थे, इनका आजकल स्कूल खुल गया है बच्चों के पापा का, तो ये स्कूल चले गए हैं, तो उनको भेज के नाश्ता पानी बना के तब जाके मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सारे निकाले हुए थे, ये सूच का जो भी स्टैंड वगैरह जो है ये भी निकाला हुआ था, तो वहाँ पे भी मैंने साफ़ सफाई की है वो सारा निकाल के और फोल्डिंग वगैरह हटा के। तो दिवाली की, चलो दिवाली है तो चलो सब जगह की सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस वजह से ये सारी सफाई कर ली है, सारे जूते चप्पल जो भी थे सब झाड़ फूँक के सब लगा लिए हैं। तो साफ़ सफाई तो डेली होती है, दिवाली आती है तो सभी ये सोचते हैं कि चलो ढंग से साफ़ सफाई हो जाए। तो मेरी तो सब जगह सफाई हुई रखी है, मतलब डेली हम लोग करते हैं, तीसरे चौथे दिन मैं जाले भी झाड़ देती हूँ। और बाकी तो क्या होता है, जाले वगैरह ही घरों में होते हैं, हम लोग तो किराए के घर हैं, इतना स्पेस भी होता नहीं है, कमरे के वगैरह ही रहते हैं, तो उनको करते रहते हैं हम साफ़। फिर भी मैं थोड़ा बहुत अब अंदर भी कर लूँगी। और अभी अब मैं आ गई हूँ बरामदे वगैरह में, मेरी सब सफाई हो गई है, बाहर का कमरा भी मैंने कर लिया है, झाड़ा फूँकना जो भी था। तो मैं अब अंदर आ गई हूँ, तो अंदर के कमरे को मैं एक बार फिर से कर लूँगी। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मैं बता रही हूँ मैं आपको, मैं तीसरे चौथे दिन अपना घर, अपने कमरे वगैरह जो भी होते मैं करती रहती हूँ साफ, लेकिन थोड़ा ये दिवाली के नाम पर कर रही हूँ मैं, थोड़ा जाले वगैरह निकाल के थोड़ा देख लूँ, मतलब थोड़ा मन में बहम नहीं रहेगा कि मैंने नहीं किया था। तो मैं इस वजह से थोड़ा, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा कर दूँ, सभी कर रहे हैं आजकल,
तो इस वजह से मैं थोड़ा जो जाली निकालने वाला झाड़ू होता है उससे मैं सारी दीवारों को एक बार ढंग से फिर झाड़ दूंगी। और तो पर्दे वगैरह रह रखे हैं तो बाकी पर्दों को और बेडशीट वगैरह सब कल धुलेंगी, तो परसों फिर नई बेडशीट वगैरह डालेंगे तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कल के वीडियो में ये कल सॉरी वीडियो बना पाऊँ ना बना पाऊँ ये अलग बात है, लेकिन कल मेरे पर्दे हैं धोने के लिए। तो पर्दे मैंने पिछली बार भी इसीलिए नहीं धोए थे क्योंकि मुझे दिवाली के टाइम पे यही था। बाकी मेरी क्लीनिंग तो रहती है, कमरों की रहती है, जाले नहीं मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ये मतलब इस वजह से कर रही हूँ कि दिवाली है तो तब कर रही हूँ। और थोड़ा पंखे गंदे थे क्योंकि पंखे इस वजह से कि गंदे हो रखे थे, काफ़ी टाइम हो गया है बंद किए हुए, तो इस वजह से थोड़ा पंखे गंदे हो रखे थे, तो मैं पंखों को भी साफ़ करके रख दूँगी। और अभी नहाना धोना मेरा रह रखा है, तो जब मेरी यहाँ पे भी सफाई हो जाएगी, बस यही कमरा छूट रखा है, बाहर से आ गई हूँ मैं सब जगह से साफ़ सुफ करके, तो इसके बाद मैं नहाऊँगी और तब जाके मैं आप लोगों से बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, नहा के आ चुकी हूँ और काफ़ी थकान भी हो चुकी है, काम मेरा ख़त्म हो गया है, तो अब मैं दिन का खाना बनाने के लिए किचन में जाऊँगी और जो सुबह का काम था वो सब फिनिश करके अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और अब मैं आज क्या बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ साग, देखिए आप, ये पालक है और हम ऐसे साग बनाते हैं, हम लोग इसको पीसते नहीं, तो हम इसको ये बॉईल कर रखा है मैंने और इसको भून लेते हैं अच्छे से करती से। ये देखिए दादा, सीजन का एक बार वैसे मैंने पहले बना दिया था साग और आज मैं
साथ शेयर नहीं किया हुआ था, मैंने सोचा आज आप लोग के साथ शेयर करूँ कैसे बना रही हूँ साग को। तो साग मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मैं इसको घोड़ देती हूँ अच्छे से। ऐसे पालक है ये, तो इस पालक को मैं अच्छे से घोड़ देती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो क्लिप थी मेरे पास रेसिपी वाली वो मिस हो गई है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो इसको बनाने में जो पालक यूज किया है इस साग को बनाने में, वो है पहाड़ी पालक, जो देसी पालक जो का हमारे उत्तराखंड में दो तरह का पालक आता है। देसी तो सभी लोग को तो पता होगा क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब ज़्यादातर वही मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में दो तरह का पालक मिलता है। एक तो होता है पहाड़ी और एक होता है देसी। तो हम लोग पहाड़ी पालक ही लाते हैं क्योंकि हमें उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये पहाड़ी पालक है जिसका मैंने साग बनाया है और धीरे धीरे तैयार हो गया है। इस तरह से बन गए गाढ़ा गाढ़ा, देखिए आप। तो खाना बन गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना बन चुका है और सॉरी मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाई मैंने किस तरीके से साग बनाया है, क्योंकि वो वीडियो मिस हो गई है वहाँ पे मेरे से। तो बन गया मेरा खाना, तैयार हो गया है। ये देखिए ऐसा साग खाते हैं हम लोग। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया है और मैंने आज बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ साग की रेसिपी शेयर की थी, पहाड़ी साग जो हम लोगों का उत्तराखंड का होता है, तो वो मैंने बहुत अच्छे से रेसिपी शेयर की थी मैं कैसे बना रही हूँ। लेकिन वो क्लिप बीच में से पता नहीं कहाँ मिस हो गई, शायद मेरे हाथों से ही डिलीट हो गई है। तो मैं किसी दिन फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो फर्स्ट बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।